बेटा मैं थक गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। टीचर, कल मैं आपको पिक कर लूँ? हम आपके फर्स्ट डे स्कूल साथ में चल सकते हैं। श्योर, बिल्कुल। कितने बजे? 8 बजे मैं आयुषी दीदी के घर आ जाऊंगा। ठीक है, सुबह 8 बजे। सुकरान सच में बहुत अच्छा गाती है, सच में बहुत टैलेंटेड है वो। अब उसकी परवरिश ऐसे लोगों में हुई है, उसके दादाजी को कोई और काम नहीं है, बस गाने गाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी आवाज उसके पापा पर गई है। ऐसा लगता है? मैं समझी नहीं। तुम्हें घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जो जानना चाहती हो मैं बताती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि सुकरान की माँ कहाँ है, तुम्हें बता दूं, कदीर सुकरान का पापा नहीं है, सुकरान मुस्तफा दादा की पोती है। कादिर और मुस्तफा का कोई रिश्ता नहीं, कादिर को वो एक पहाड़ी गांव में मिले थे, सुकरान एक अनाथ है, उसके माँ और बाप दोनों गुजर चुके हैं। वो अपने दादा के साथ पहाड़ों में भटकती रहती थी, कादिर उन्हें घर ले आया, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसका दिल उसी की तरह साफ है, सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं करता। कादिर जैसे इंसान इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलते। कादिर भाई, आज आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? हाँ, आज नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं उठ नहीं पाया था। ऐसा क्यों, कुछ हुआ है क्या? सुनो, देखो अगर कुछ होता भी तो। सुनो तुम, चुपचाप अंदर चलो। पहले क्या हुआ है बताओ, कुछ तो हुआ है। नालायक कहीं का, पता नहीं क्या हुआ होगा। वो आ गए क्या? क्या आ गए, आ गए, वो काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग टीचर। नई मैम कौन है? जी गुड मॉर्निंग, मिस फातिमा नूर आपकी नई म्यूजिक टीचर है, इनका पहला दिन है इसलिए इन्हें साथ लाया। अच्छा, हेलो मैम। आइए आइए इस तरफ। गुड मॉर्निंग। इस तरफ। ओ, मुझे ये जगह पता है। क्या मतलब, आप यहां पहले आ चुकी हैं? नहीं, मेरे दादाजी वो बिजनेस के सिलसिले में बहुत घूमे हैं और उन्हें फोटोग्राफी का शौक था, शायद उनकी फोटोज में मैंने ये जगह देखी है। हाँ, ये पुरानी कोर्ट रूम बिल्डिंग है,
सीरिया की एक मिसाइल ने इसे तबाह कर दिया और तब से ये ऐसी पड़ी है। जब मैं छोटी थी तो वो अपनी फोटोज के एल्बम मेरे सामने रख दिया करते थे और उनकी स्टोरीज सुनाया करते थे। जब मैं सो जाती तो वो मेरे कान में चुपके से कहते कि एक दिन मैं इस जगह जरूर जाऊंगी। तो ऐसा हुआ, क्या उन्हें पता है कि आप यहाँ हैं? नहीं, वो 2 साल पहले गुजर गए। I'm so sorry. कोई बात नहीं, मरने से पहले उन्होंने उनका कैमरा मुझे दिया था लेकिन बैगेज में वो डैमेज हो गया। अब मैं वो कैमरा कभी यूज नहीं कर सकती। सॉरी, मैं भी ये क्या बोल रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले दिन लेट नहीं होना चाहती। आप इजाजत दे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गुड बाय बोल दूं। श्योर। यहाँ आइए। तुम्हारी दुआ कबूल हुई, तुम सब मुझसे आजाद हो। ये है तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर। टीचर, लगता नहीं है कि मैं आपसे छुटकारा मिल गया है। ठीक है बेटा, मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करके जा रहा हूँ। ये तो हम खुद भी कर सकते हैं टीचर। कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। All the best, teacher. Thank you so much. Hello, बच्चों। ये मेरा पहला टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ आकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। I'm sorry. Excuse me, बहुत embarrassing है ये। मैं अभी आती हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए, क्या कर रही हूं मैं। ये उनका पहला दिन था, क्या किया तुम लोगों ने ऐसा? टीचर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने उनसे बात तक नहीं की। वो टीचर अभी नहीं है, उन्हें आदत पड़ जाएगी। टीचर, टीचर मैं नहीं चाहता क्लास का टाइम वेस्ट हो, मैं एक फोक सॉन्ग सुनाऊं। सही बात है, एक फोक सॉन्ग अच्छा आइडिया है। गुड लक टीचर। थैंक यू सो मच। चलो तो फिर सुनाओ। Başımdaki yazmayı da sarıyam hep o yadın. Başımdaki yazmayı da sarıyam hep o yadın. Neden sararıp solduna sevdayam hep uğradın. Neden sararıp solduna sevdayam hep uğradın. Oh, 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 oh. Sabah. क्या देख रहा है तुम्हें इसमें? रुको देखती हूँ। ये आ रहा है, ये जा रहा है। क्या आ रहा है जा रहा है? हॉर्स। हॉर्स, देखो। ओह, सच में ये हॉर्स आ रहा है और ये जा रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा इसे। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हारी कही ये बात सच हो जाए। अच्छा सुनो, कल रात तुम्हारी उससे कोई बात हुई क्या? नहीं, उसने बहुत कम बात की लेकिन मैं सब समझ गई थी। वो कुछ जानना चाहती थी, बहुत सवाल कर रही थी मुझसे, मैं सब समझ गई। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, अब हम क्या करें? हाँ, वैसे मेरे दिमाग में बहुत खुराफात चलती रहती है, पता है ना। आज मैंने सब गड़बड़ कर दी है ना। नहीं नहीं, क्यों? पता नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स रोक ही नहीं पाई। एक टीचर को अच्छा टीचर बनने के लिए फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है, राइट? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मिस फातिमा, अपनी फीलिंग से डरिए मत। तो तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था दीदी, बच्चे बहुत अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ओ, कौन से बच्चे अच्छे होते हैं? कोई हमारे घर के बच्चे देख ले तो बच्चों से नफरत हो जाएगी उन्हें। कादिर ने उन्हें बिगाड़ कर रख दिया है।
आज उनमें से किसी ने गार्डन में अपना सॉक्स छोड़ दिया था, सबाहत दीदी उठा कर लाई। छोड़ो वो सब, सबाहत भी बड़ी अजीब है। यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी है वो, स्कूल में अच्छा लगा ना उसे? थैंक यू सो मच दीदी। एंजॉय। शुक्रिया शुक्रिया। उसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुरू में थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। सब अच्छा ही होगा, वो बहुत समझदार लड़की है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है, और समझदार और प्यारी दोनों है। इंसान सुंदरता से नहीं, अच्छाई से दिल जीतता है। और वो बहुत अच्छी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मैं समझी नहीं। मतलब कोई है जिससे तुम प्यार करती हो? नहीं नहीं, मतलब पहले था, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसी की वजह से मैं इटली छोड़कर आई थी, और मेरे सारे दोस्त भी। अब बस अहमद ही बचा है। अहमद? ओ, अहमद मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरे भाई की तरह है। तो भाई ही रहने देते? वो भाई ही है। आपने आपने शादी नहीं की? की थी, बहुत बार की थी। ओ, सच में दीदी? एक ही आदमी के साथ। बस रे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप हैरान क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं जब यहाँ आता हूँ तो कोई होता नहीं है यहाँ, इसलिए। मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। आज का मौसम अच्छा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बच्चों को देखता हूँ। प्यार की शुरुआत, इसका अंत बहुत खतरनाक था, लेकिन मैं अभी अंत की बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्यार करना अच्छी बात है। किसे ढूंढ रही हो आइनूर? सुनो, कोई कह रहा था कि नई टीचर आई है, हम उसे हेलो कहना चाहते थे। तो स्कूल जाकर कह दो ना। ऐसा सुना है बहुत सुंदर है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही पतली और काली है। हाँ। और साथ साथ घमंडी भी है, इस्तांबुल से है। हाँ। बहुत दिखावा करती है सच में। See you. See you. वेलकम बेटा। थैंक यू दीदी। चलता हूँ दीदी। कादिर,
ये अपनी दीदी को दे देना। क्या ये? तुम उसे दे देना, वो समझ जाएगी। और भूलना मत। कादिर, कितनी प्यारी हो तुम दोनों। अरे तुमने डरा दिया मुझे, यहाँ कितना अच्छा लगता है। मैं आंटी को बता दूंगी, फातिमा नूर दीदी को हमारा घर अच्छा लगता है। नहीं ऐसे मत बोलना, वो गलत समझ लेंगी और ऐसे दीदी को भी बुरा लगेगा, उन्हें लगेगा मैं उनके घर में खुश नहीं हूँ। सबाहत दीदी, आप घर में ही थी? हाँ, मैं और कहाँ जाऊंगी। आंटी, फातिमा नूर दीदी को हमारा घर पसंद है, क्या वो यहाँ रह सकती है? हाँ बिल्कुल रह सकती है, लेकिन मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। सुकरान बेटा रहने दो, मैं बस ऐसे ही आई थी। मैं अब चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ ना, कॉफी पी कर जाओ। आप परेशान मत होइए। नहीं परेशानी कैसी, ठीक है कॉफी में शुगर मत डालिए। पापा। हाँ क्या हुआ बेटा? फातिमा नूर दीदी आई है। क्या वो मुझे बुला रही हैं? नहीं मैं बस बता रही हूँ। अच्छा किया तुमने। ठीक है मैं उनसे मिलकर आता हूँ। वेलकम। थैंक यू, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। प्यार बढ़ रहा है। हाँ ये सच हाँ, है। देखे, देखे। अब हम क्या करें? जितना हो सके उतना तो मैं कर रही हूँ। दादाजी आप उनसे बात क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं काम तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। चलो फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैं आज स्कूल में आपको ढूंढ रही थी। आज कोई क्लास नहीं थी, थोड़ा थका हुआ था इसलिए जल्दी आ गया। इसकी वजह से थक गए थे। आप सोच भी नहीं सकते ये कैमरा मेरे लिए कितना प्रेशियस है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? शाबाश शाबाश आयसिन, तुम बहुत समझदार हो। सच में उससे फायदा हुआ? पूरी कॉफी गिर गई। एक बात कहूं बेटा?
अब तुम ज्यादा देर मत करना, ठीक है? मेरे दिमाग में बस वही ख्याल रहता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। ये है प्यार की शुरुआत। इसका अंत बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं अभी अंत की बात नहीं करूंगी, क्योंकि प्यार करना सही है। बेटा, तुम्हारा खाना हो गया? अभी नहीं हुआ। शुक्रान, जाकर देखो दादाजी सोया नहीं। चल। अब मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम चाहो तो मैं उससे बात करूँ। ओह मेरी प्यारी दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सी बेचैनी है दिल में। सबह दीदी, माफ कीजिए, क्लास में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठो ना, बैठो। नींबू पानी लोगी क्या? निजाम, निजाम, हमारे लिए नींबू पानी ले आओ। अभी लाया दीदी। आह, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही हो तुम, सच में। थैंक यू। लेकिन एक बात कहूँ, वो लोग तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या दीदी, आप क्या कह रही हैं? सच में, जब से तुम आई हो, हर कोई अपने बेटे की शादी तुमसे कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर आयसे से डरते हैं, इसीलिए कोई तुमसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा। आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना दीदी, उन लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसा लगता है? मेरे लिए सब अच्छे हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे लिए सब अच्छे हैं, इसका मतलब थोड़ी उम्मीद तो है। कैसी उम्मीद? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस कादिर को हम जानते थे वो अब वैसा नहीं रहा। अगर कभी कोई घर पर आता है और तुम्हारे बारे में पूछता है, तब उसका मुंह देखने लायक होता है, बिल्कुल उतर जाता है। ओ, ऐसा क्यों होता है? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? बेटा समझने की कोशिश करो। मैंने बताया ना लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और कादिर की हालत भी तुमसे छुपी नहीं है, तो अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, पता नहीं, मैं शायद कुछ गलत समझ रही हूँ। नहीं, तुम गलत नहीं समझ रही, बस समझने में थोड़ा वक्त लगा रही हो। सबह दीदी, आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा। मैं कह रही हूं ना, उसके अंदर तूफान मचा हुआ है। दीदी अब मैं चलूं? मुझे अजीब अजीब लग रहा है, एक्सक्यूज मी। वैसे उसने कहा कि उम्र से कुछ नहीं होता, और क्या कहेगी वो? झूठ मत बोलिए दीदी, उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था उसने। सच बताइए, उसने एग्जैक्टली क्या कहा? हे ऊपर वाले, कदर मैंने बताया ना तुम्हें, और वैसे भी वो क्या कहती कि पहले दिन से ही वो तुम्हारी होना चाहती थी।
आप कुछ भी बोलती होती थी। अगर आप यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता। यहाँ सब अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन यहाँ मिस्टर कादिर और उनकी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन वहाँ ज्यादा दिल मत लगा लेना, तुम वहाँ जाकर बदल गई हो, जल्दी वापस आ जाना। लेकिन पापा, अगर आप यहाँ होते, यहाँ के लोगों से मिलते तो आपको भी बहुत अच्छा लगता। सोचा भी नहीं था यहाँ सब इतना अच्छा होगा। स्पेशली मिस्टर कादिर, वो यहाँ लिटरेचर के टीचर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। उनकी एक बहन भी है, सबाहत दीदी। मॉम वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन वहाँ ज्यादा दिल मत लगा लेना। पापा, ये लोग आपके बारे में भी पूछते हैं। आपको यहाँ इनवाइट भी किया है उन्होंने, आप लोग यहाँ आकर देखिए ना प्लीज। पापा आ जाइए ना। पापा, फातिमा नूर आंटी की शादी हो रही है क्या? तुमने होमवर्क किया और मुझे क्यों नहीं दिखा? चलो अंदर चलो, दिखाओ। तुम्हारा भतीजा कुछ पूछ रहा है। आ, पता नहीं क्या हो गया, क्या बात है, फोन ही कट गया। फातिमा नूर, क्या बात है? कायर युद्ध से पहले ही हजार बार मरता है दीदी, मैं फातिमा नूर से बात करने जा रहा हूँ। शाबाश मेरे भाई। कुछ भूले तो नहीं ना तुम? नहीं नहीं भूला, क्या भूलूंगा मैं? तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो। वैसे उसे भूलना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि ऐसा करते भी हैं। ओह, दीदी आप नहीं होती तो मैं। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्यों? मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ? मैंने ये आज के दिन के लिए संभाल कर रखी थी। तुम्हें एक बहुत सुंदर, अच्छी और होनहार लड़की मिली है, वो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाएगी। चलो चलो, मैं ये बात आयसे को बता देती हूँ। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। ओके। हम चाय पियेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, मैंने चाय पी ली थी आज। और तुम? मुझे कुछ भी चलेगा। आ, आ, कादिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो भला? हमें थोड़ा टाइम अकेले क्यों नहीं मिलता पता नहीं। बैठो बेटा, बैठो। वैसे भी मैं और आयसे कहीं घूमने जाने वाले थे। चलो आयसे, चलो उठो, चलो जल्दी चलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, और आप? ठीक हूं। हम आप कहना बंद कर सकते हैं? जब मैंने
मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरा मतलब तुम्हें देखने से पहले मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। उस रात दरवाजे के बाहर मैं खड़ा था, मैं चाहता था कि जाकर तुम्हारा चेहरा देखूं, लेकिन मैं उसी रात से तुमसे प्यार करता हूं फातिमा नूर। मुझसे शादी करोगी फातिमा नूर? मिस फातिमा नूर, क्या आप मेहमत कादिर को अपना पति स्वीकार करती हैं? करती हूँ। मैं फातिमा नूर को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फातिमा नूर मर चुकी है। बुल्ले वांगू नचदाए मौला मेरे मौला अब तू